कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें आरोपी कह रही है कंगना ने कहा था कि 100-100 रुपए की खातिर लोग किसान आंदोलन में बैठ रहे हैं। जब उसने ये बयान दिया तो मेरी माँ भी वही बैठी थी। महिला कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर है। इस घटना के बाद उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये घटना गुरुवार दोपहर 3:30 बजे की है। कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी, तभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान महिला कांस्टेबल के साथ बहस हुई और उसने थप्पड़ मार दिया। कंगना ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। कंगना ने एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा, मैं सेफ हूँ, आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मेरे साथ हादसा हो गया। एयरपोर्ट पर एक महिला जवान ने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो किसान आंदोलन की सपोर्टर है। उसने साइड से आकर मुझे चेहरे पर हिट कर दिया। मैं तो सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है। इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल जांच चल रही है, जो भी हुआ वो गलत था। उधर सीआईएसएफ कमांडेंट ने महिला कांस्टेबल को हिरासत में लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। महिला कांस्टेबल सस्पेंड हो चुकी है और कमांडेंट की तरफ से जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है। सीईओ अजय वर्मा ने सीआईएसएफ के कमांडेंट पीआर मिश्रा के हवाले से इस कन्फर्म किया है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि कुलविंदर कौर को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सम्मानित कर सकती है। कुलविंदर कौर का भाई इस कमेटी में संगठन सेक्रेटरी है। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक पोस्ट कर कमेंट किया था। इसमें एक बुजुर्ग महिला की फोटो थी। एक्ट्रेस ने लिखा, हा हा हा, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था। वो 100 रुपये में उपलब्ध है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भारत के लिए इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है, जो शर्मिंदगी भरा रास्ता है। हमें इंटरनेशनली बोलने के लिए अपने लोगों की ज़रूरत है। कंगना का बयान सामने आने के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चीफ मजिंदर सिंह सिरसा ने कंगना को एक लीगल नोटिस भेजकर माफ़ी की मांग की थी। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान कई बयान किए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों की तुलना खालिस्तानी आतंकवादियों से की थी। उन्होंने लिखा था, खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हमें एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इन्हें अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। भले उन्होंने इस देश को कितनी भी पीड़ा दी हो, लेकिन उन्होंने अपनी जान की कीमत पर इन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी आज भी उनके नाम से कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। कंगना के किसान आंदोलन को लेकर कई ट्वीट किए थे। इसकी वजह से उनकी पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ सोशल मीडिया पर तीखी बहस भी हो गई थी। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के कंगना के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।